मार्च के महीनों में दालों की कीमतों में एक अच्छी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन जैसे जैसे दालों की कीमतें आसमान छूती गई, उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल आती गई। सरकार ने दालों की कीमतों को कम करने के लिए उसमें स्टॉक लिमिट लगा दी थी, जिसका पूरे देश भर के दालों व्यापारियों ने जमकर विरोध भी किया। व्यापारियों द्वारा विरोध जताने पर सरकार ने स्टॉक लिमिट में कुछ राहत दी, जिससे चना और दालों की कीमतों में कुछ तेजी लौटी थी। लेकिन अब सरकार दालों के आयात बढ़ाने पर विचार कर रही है और विदेशों में भी बात कर रही है। अभी सरकार सिर्फ बात कर रही है, इस पर कोई फैसला नहीं आया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन कम होने की आशंका से चने की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। वहीं भारत में दालों की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले इस साल घटा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक सप्लाई पर्याप्त है, इस साल चना का रिकॉर्ड उत्पाद हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1.19 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। चने के उत्पादन पर नजर डालें तो 2016 से 17 में चना का उत्पादन 93.8 लाख टन रहा था, जबकि 2017 से 18 में 113.8 लाख टन से 2018 में 19 में 99.4 लाख टन, 2019 से 20 में 1110.8 लाख टन और 2020 से 21 में चने का उत्पादन 119.9 लाख टन रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक पिछले हफ्ते चने में उठापटक वाला देखने को मिला है। हमें एनसी डेक्स पर चना सितंबर वायदा में चीनी कीमतों को 5,400 से 5,000 के करीब गिरता हुआ देखा। अमित सजेजा ने मार्केट टाइम्स टीवी के एक इंटरव्यू में पहले ही बता दिया था कि चने की कीमतें ज़्यादा ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, और वैसा ही हमने देखा। चने की कीमतें औसतन 5,200 के आसपास ज़्यादा कारोबार करती नजर आई। अमित सजेजा के मुताबिक इस कारोबारी सप्ताह में भी चने की कीमतें ज़्यादा तेज़ी के साथ कारोबार करती नज़र आएंगी। चने की कीमतें ज़्यादा ऊपर नहीं टिक पाएंगी, एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा। उनके मुताबिक इस कारोबारी सप्ताह एनसी डेक्स सितंबर वायदा में चने की कीमत 5,250 से 5,280 तक देखने को मिल सकते हैं। अमित सजेजा के मुताबिक कलोंजिंग आते आते चने की कीमतें औसतन 5,200 तक का स्तर दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।